बॉलीवुड सिंगर मीका सिंह आज अपना 43वां जन्मदिन मना रहे हैं। मीका का असली नाम अमरीक सिंह है और वो 6 भाइयों में सबसे छोटे हैं। वहीं मीका के पिता अजमेर सिंह और माँ बलबीर कौर स्टेट लेवल के रेसलर थे। एक रेसलर परिवार में जन्मे सबसे छोटे बेटे के बारे में किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो म्यूजिक इंडस्ट्री का इतना बड़ा नाम बनेगा। बॉलीवुड सिंगर अपने हाई बीट गानों से पार्टी में जान डाल देते हैं। मीका सलमान खान से लेकर शाहिद कपूर तक सभी स्टार्स के लिए शानदार गाने गा चुके हैं। पंजाबी सिंगर दलेर मेहंदी के छोटे भाई मीका को 2006 में पहचान मिली थी, जिसके बाद से उनका हर गाना रिलीज होते ही ट्रेंडिंग चार्ट में अपनी जगह बना लेता है। मीका सिंह के बर्थडे पर आपको उनके कुछ शानदार गानों के बारे में बताते हैं, जिन्हें सुनने के बाद आप खुद को डांस करने से नहीं रोक पाएंगे। रितेश देशमुख, रिया सेन और कोयना मित्रा का यह गाना सुपरहिट रहा था। इस देसी गाने के साथ हाई बीट आज भी आपकी पार्टी में जान भर देता है। शाहिद कपूर और करीना कपूर की फिल्म जब वी मेट का पंजाबी गाना मौजा ही मौजा मीका सिंह ने गाया था। इस फिल्म के साथ यह गाना भी सुपरहिट रहा था। सलमान खान की फिल्म किक का गाना जुम्मे की रात ब्लॉकबस्टर रहा था। इस गाने में सलमान खान और जैकलिन फर्नांडिस कदम थिरकाते नजर आए थे। रणबीर सिंह की फिल्म सिम्बा में आंख मारे गाने को रिक्रिएट किया गया था। इस रिएक्शन को मीका सिंह ने गाया था। रणबीर और सारा अली खान का गाना आज भी पार्टी में रौनक ले आता है। कार्तिक आयरन, भूमि पेडनेकर और अनन्या पांडे की फिल्म पति पत्नी और वो का गाना अखियों से गोली मारे मीका सिंह ने गाया है। इस फिल्म के साथ इसके सारे गाने हिट रहे हैं। करीबन हर पार्टी में बजने वाला गाना आज की पार्टी मेरी तरफ से फिल्म बजरंगी भाईजान का है। फिल्म 2015 में रिलीज हुई थी। फिल्म का ये गाना आज भी हर पार्टी में बजता है। फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सलमान खान और करीना कपूर खान लीड रोल में थे। वहीं मुन्नी बनी हर्षाली मल्होत्रा को भी जनता का काफी प्यार मिला था। 2011 में सलमान खान स्टार फिल्म रेडी रिलीज हुई थी। फिल्म में सलमान के साथ आसिन नजर आई थी। फिल्म साउथ का रिमेक थी और फिल्म का गाना ढिंका चिका भी, यह गाना भी सुपरहिट साबित हुआ था। फिल्म शूटआउट एट लोखंडवाला के गाने गणपत ने एक नया ही ट्रेंड सा सेट कर दिया था। इस गाने को वैसे तो सभी ने पसंद किया, लेकिन यूथ का इस गाने को कुछ ज्यादा ही प्यार मिला। कहा जाता है कि आज भी इस गाने के स्टाइल को कोई दूसरा गाना रिप्लेस नहीं कर पाया है। दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। ऐसे और वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।